हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल बैटरी एंड ट्यूबुलर बैटरी में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। दोनों का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो से आपको कोई हेल्पफुल जानकारी मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। तो चलिए फ्रेंड हम शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं बैकअप टाइम है। जो नॉर्मल बैटरी है जिसको हम फ्लैट प्लेट बैटरी भी बोल सकते हैं, जिसका बैकअप टाइम है जो 2 to 3 hours मीन्स के 2 to 3 hours है, जो बहुत शॉर्ट टाइम है जो बैकअप टाइम है जो फ्लैट प्लेट बैटरी का। नेक्स्ट है ट्यूबलर बैटरी है जिसका बैकअप टाइम है ज़्यादा रहता है, जो 4 to 6 hours मीन्स के 4 to 6 hours है जो बैकअप टाइम मिलता है। सेकंड हम टर्मिनल की बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल बैटरी एंड ट्यूबलर बैटरी है दोनों में जो माइनस टर्मिनल है जो सेम रहता है, जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है जो नॉर्मल बैटरी है उसकी थिकनेस है जो कम रहती है, जहाँ पे ट्यूबलर बैटरी है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी थिकनेस है जो ज़्यादा रहती है। तो आप बैटरी को देख के भी पता चल सकता है जो पॉजिटिव टर्मिनल है जो उसकी थिकनेस है जो कम रहती है तो नॉर्मल बैटरी है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है जो ट्यूबलर बैटरी है। और हम प्लेट की बात कर लेते हैं। जो बैटरी है जहाँ से पानी डालते हैं वहाँ से आपको अंदर की साइड प्लेट दिखेगी, जो उसकी थिकनेस जो कम रहती है तो वो फ्लैट प्लेट बैटरी है जिसको हम नॉर्मल बैटरी बोलते हैं। अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वो ट्यूबलर बैटरी है। तो आप वो देख के भी पता चल सकता है जो हमारी बैटरी है जो ट्यूबलर बैटरी है या तो नॉर्मल बैटरी है। फोर्थ है जो डिज़ाइन है, जो नॉर्मल बैटरी एंड ट्यूबलर बैटरी है उसकी डिज़ाइन कैसी रहती है। जो फ्लैट प्लेट बैटरी है जिसको हम नॉर्मल बैटरी बोलते हैं उसकी डिज़ाइन है जो सिंपल है, क्योंकि उसमें जो प्लेट है जो उसकी थिकनेस कम है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी भी थिकनेस कम है। तो वहाँ पे जो नॉर्मल बैटरी है उसकी डिज़ाइन सिंपल रहती है, जहाँ पे ट्यूबलर बैटरी है उसकी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स रहती है, क्योंकि उसकी जो प्लेट की थिकनेस है वो ज़्यादा रहती है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी भी थिकनेस ज़्यादा रहती है। इसलिए यहाँ पे जो ट्यूबलर बैटरी है उसकी जो डिज़ाइन है जो कॉम्प्लिकेटेड है। फिफ्थ है यूज़, मीन्स के जो नॉर्मल बैटरी एंड ट्यूबलर बैटरी है उसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, कौन सी एप्लीकेशन के लिए हम नॉर्मल बैटरी का यूज़ करेंगे और कौन सी एप्लीकेशन के लिए हम ट्यूबलर बैटरी का यूज़ करेंगे उसके ऊपर हम बात कर ले। तो नॉर्मल बैटरी का यूज़ कहाँ पे होता है, जो ऑटोमोबाइल में होता है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टार्टिंग करंट है वो ज़्यादा रहता है, जो बैकअप टाइम है जो कम रहता है वहाँ पे हम नॉर्मल बैटरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ट्यूबलर बैटरी है उसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, जो UPS इन्वर्टर में हम ट्यूबलर बैटरी का यूज़ करेंगे, जहाँ पे बैकअप टाइम ज़्यादा सही है वहाँ पे हम ट्यूबलर बैटरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो UPS एंड इन्वर्टर है वहाँ से हमारा लोड है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो लाइट हो गई, फैन, कंप्यूटर, होम अप्लायंस, तो हम सब यहाँ पे UPS एंड इन्वर्टर है उसके थ्रू हम ऑपरेट कर सकते हैं। सिक्स है चार्जिंग है, जो फ्लैट प्लेट बैटरी है मीन्स के जो नॉर्मल बैटरी है उसका चार्जिंग है जो स्लो होता है, जहाँ पे ट्यूबलर बैटरी है उसका चार्जिंग है जो फास्ट होता है। सेवन हम प्राइस की बात कर लेते हैं। जो फ्लैट प्लेट बैटरी है जिसको हम नॉर्मल बैटरी करते हैं उसकी जो प्राइस है जो लो रहती है कंपेयर टू ट्यूबलर बैटरी, ट्यूबलर बैटरी है उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है। अगर आपको 150 Ah की नॉर्मल बैटरी चाहिए तो कम से कम 9 to 10 hours है उसकी प्राइस रहती है, जहाँ पे ट्यूबलर बैटरी चाहिए 150 Ah की तो उसकी प्राइस है जो 12 to 13 hours रहती है, मीन्स के जो ट्यूबलर बैटरी है उसकी प्राइस ज़्यादा रहती है कंपेयर टू नॉर्मल बैटरी से। यहाँ पे 150 Ah है, Ah का क्या मीनिंग है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो अपलोड किया है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी कमेंट एंड लाइक हमको सपोर्ट करती है आगे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।